still drive me crazy. हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे. आज बहुत सारे वो दोस्त अच्छे हो जाएंगे इस वीडियो को देख के जिनको मेडिटेशन करना अच्छा लगता है. सो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस सद्गुरु के ईशा सेंटर में, आश्रम में रहने का, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें आश्रम के बारे में, एंड हमारा ओवरऑल रिव्यू लाइक कंक्लूजन भी. एंड आपको पता ही होगा हम लोग गए थे इंडिया, एंड मैंने दो चीज़ें मेरे हस्बैंड को कहा था मुझे करनी है. एक तो मुझे सद्गुरु के आश्रम में जाना है एंड दूसरा सिद्धू के घर पे जाना है. सो दोनों चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर दी. बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं उसके बारे में. सो हम कैसे पहुँचे कोयम्बटूर वो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ. वैसे मेरा जो इससे पहला व्लॉग है उसमें आप देख सकते हैं कि हमारा सारा ये ट्रैवल कैसे गया. पर हम हमारे शहर से चंडीगढ़ आए, चंडीगढ़ से हमने फ़्लाइट ली चेन्नई के लिए, चेन्नई से हम गए कोयम्बटूर, कोयम्बटूर एयरपोर्ट पे उतर के हमने ली टैक्सी, एंड टैक्सी ने हमें पहुंचा दिया ईशा सेंटर में. अभी हमारा प्लान था कि हम ईशा सेंटर में 31 दिसंबर को होने वाला शाम वाला प्रोग्राम देखें, जिसमें न्यू ईयर का प्रोग्राम था, सद्गुरु का इवेंट था, वहाँ पे सद्गुरु प्रेजेंट होने वाले थे. बहुत ही एक्साइटेड थे, पर हमारी फ़्लाइट लेट होने की वजह से वो हमसे मिस हो गया, जो कि बहुत ही सैड था. बट फिर हमने सोचा कि यार कुछ भी होता है जो किसी ना किसी रीज़न की वजह से ही होता है. सो अगर हम नहीं अटेंड कर पाए तो मे बी इधर ही कोई अच्छा ही होगा. सो यार दिल को शांत कर लिया और हम चले गए. हमारे रिसेप्शन पे हमारा रूम बुक करवाने में बहुत समय लग गया. उसके बाद हम रूम में गए. जो रूम में नीचे लाइक सिक्योरिटी गाय था, उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी चले जाओ खाना खाने के लिए, क्योंकि खाने की विंडो बंद हो जाती है. खाने का जो वहाँ पे भिक्षा सेंटर है, लंगर हॉल है, वहाँ पे आपको लंगर मिलता है, फूड मिलता है, एंड अगर वो समय पे आप नहीं पहुँचते तो बंद हो जाता है, तो फिर आपको फ़ूड नहीं मिलता है. पर बिकेज़ वो 31 दिसंबर का स्पेशल इवेंट वाला दिन था, तो वो आई थिंक 9:30 और 10 बजे तक खुला था. आश्रम में अंदर रहने के लिए काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, लाइक होटल्स जैसे, एंड स्वीट्स होते हैं, रूम्स होते हैं. हम बिल्कुल बेसिक रूम में रहना चाहते थे, तो हमारा रूम कुछ इस तरह का दिख रहा है. ये ना दो सेपरेट बेड थे, एंड इसको हमने कंबाइन कर लिया है. वैसे आप एक्स्ट्रा बेड भी ले सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जगह है, पर हमारा इसने से ही चल जाएगा. और बाहर कैसे दिखता है अभी पता नहीं है, क्योंकि अंधेरा है खूब सारा, कल बताएंगे. एंड यहाँ पे वॉशरूम है, एंड यहाँ पे ये रैक है सामान रखने के लिए, एंड ये अलमारियाँ हैं, अंदर लॉकर भी है, एंड आप लॉक भी लगा सकते हैं, हैंगर्स भी हैं. सो इट्स प्रीटी नाइस डिसेंट रूम, एंड आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड. एंड ये नॉन एसी है क्योंकि कोयम्बटूर में गर्मी होती है, तो वहाँ पे मुझे लगता है लोगों को एसी चाहिए होता है. ओके दोस्तों, तो आज हम पहुँचने में काफ़ी लेट हो गए. हमारा चेक इन करते करते अराउंड 8:30 हो गए हमारे, और अब हम जा रहे हैं लंगर खाने के लिए भिक्षा हॉल. आज क्योंकि न्यू ईयर की ईव है एंड फंक्शन है. लंगर के बारे में मैं लेटर इस वीडियो में बताऊंगी कि लंगर मुझे कितना स्वादिष्ट लगा. बहुत ही अच्छा पौष्टिक लंगर था. उसके बाद हमने सोचा कि थोड़ा और चक्कर लगाते हैं ईशा सेंटर का. ईशा सेंटर के अंदर ध्यान लिंगा है, लिंगा भैरवी है, सूर्य कुंड, चंद्र कुंड है, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए जो कि लोकल दुनिया आके देख सकती है. पर जो आश्रम का रहने वाला एरिया है, अंदर वाली साइड है, वहाँ पर वही लोग आ सकते हैं जो अंदर रह रहे हैं, या तो जो वॉलंटियर हैं जो काम करते हैं, या फिर जो आश्रम के अंदर रहते हैं वो आपको एक बैंड पहना देते हैं, तो फिर वहाँ पे वही लोग आ सकते हैं. सो अगर आप डे प्लान करके जा रहे हैं कि हम एक दिन वहाँ पे स्पेंड करेंगे, तो पूरा आश्रम के अंदर तक नहीं आ पाएंगे, आप बाहर वाली सारी चीज़ें कर पाएंगे.
साढ़े नौ का ये होता है आश्रम में कि सारे लोग सो जाएं एंड जल्दी सुबह उठें। अभी ये आप देखें कि अंधेरा था पर हमने फिर भी काफ़ी वॉक कर करके एक्सप्लोर किया। हम आदि योगी, हमसे वेट नहीं हो रही थी तो हम आदि योगी देखने के लिए जाना चाहते थे पर उन्होंने बताया कि वह 8:30 ही बंद कर देते उस एरिए को। हम ये बाहर तक आके, यहाँ पे भी एक रेस्टोरेंट है जब आप बाहर के एरिया में आ जाते हैं आश्रम से, अगर आपको आश्रम का जो मिस हो जाए लंगर तो आप यहाँ से खा सकते हैं। मुझे लग रहा था ये अराउंड 10 बजे तक खुला होता है। खाना बहुत अच्छा होता है एंड बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। आज रात जब हम चक्कर लगा रहे थे, हमने आउटर साइड पे देखा कि कुछ लोग लंगर खा रहे थे वहाँ पे। हमने किसी से बात की कि ये क्या चल रहा है, वो कह रहे अभी इवेंट ख़त्म हुआ है तो लंगर यहाँ पे भी सर्व करते हैं जब कोई ओकेजन होता है। तो उन्होंने हमें बताया कि आज ध्यानलिंगा में कोई स्पेशल इवेंट होने वाला है जो कि लाइक ओवरनाइट चलेगा न्यू ईयर की खुशी में, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आई थिंक 10:30 पे होने वाला था तो कोइंसिडेंसली हम अंदर एंट्री कर पाए। जब हम अंदर गए तो उन्होंने डोर बंद कर दिया और हमें सबसे आगे बिठा दिया और हम, मुझे लग रहा अराउंड 2 घंटे तक वहाँ पे बैठे रहे एंड इतना अनबिलीवेबल अमेजिंग एक्सपीरियंस था ना वो। अभी लिंगा भैरवी एक बहुत ही मज़ेदार डोम है जिसमें बहुत ह्यूज शिवलिंग बना हुआ है और उसमें कहा जाता है कि आप 10 मिनट्स तक बैठ सकते हैं। 2 मिनट के लिए शिवलिंग की तरफ देखना है एंड 8 मिनट के लिए अखा बंद कर लेनी है और किसी भी बंदे का ध्यान लग जाता है जिसने कभी ध्यान नहीं भी लगाया होगा, उस प्लेस की इतनी ज़्यादा पावर है। 10 मिनट के बाद वो घंटी बजाते हैं, आपको उठ के बाहर जाना पड़ता है। अगर आपका ध्यान लग जाए, आपको पता ही ना चले कि केड़ी दुनिया में है, तो फिर वो आपको पुश नहीं करते कि जाओ जाओ, वो आपको बैठे रहने देते हैं तो अगला बैच आ जाता है। हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी, इतने लकी थे हम कि हम उस समय गए जब हमें 2 घंटे वहाँ पर स्पेंड करने का मौका मिला। अंदर है ना वार्म वाइब्रेशन इतनी अमेजिंग थी ना कि खांचे आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे आपके जब आप ध्यान लगाओगे। बहुत पॉजिटिव है। और सदगुरु ने कहा है कि जब भी कोई वहाँ पे जाके बैठ जाता है ना मेडिटेट करने के लिए और उसे बाद में पता चलता है कि अगर उसके अंदर मेडिटेशन की लाइक फीलिंग कभी नहीं भी थी तो वो सीड वहाँ पे बैठ के रखा गया है और अब वो कभी निकलने वाला नहीं है, वो बस बढ़ेगा 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 और आप मेडिटेशन की दुनिया में गुवाच जाओगे। बहुत अच्छा है वो। अगर आप बिगिनर हैं तो ज़रूर से जाके इस जगह का एक्सपीरियंस लें। उसके बाद हम रूम में जाके आराम से सो गए। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। समय हुआ है 12:30 रात के और हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर। ओके, यू कांट इवन सी मी, वेरी नाइस। ओके, मुझे आप देख नहीं पाएंगे पर मैं आपको स्टोरी टाइम बताती हूँ। हम ना लंगर खाने के बाद एक्सप्लोर करने के लिए चले गए। लंगर हमने खा लिया था अराउंड 9। एक्सप्लोर करने के लिए चले गए कहाँ पे क्या क्या है एंड ध्यान हमें पता चला कि ध्यानलिंगा में आज नादी आराधना होने वाली है, लाइक वो आवाज़ के साथ। फिर हमने सोचा कि क्यों नहीं हम भी वहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं, शायद सदगुरु भी आ जाए। एंड उसके बाद हम, मुझे लग रहा अराउंड 10 अंदर चले गए एंड अभी 12:20 पे बाहर आए हैं वहाँ से एंड वो सारी हमने मेडिटेशन की ध्यानलिंगा के अंदर। बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था गाइस, वाइब्रेशन ही डिफरेंट थी वहाँ की। पर हिम्मत सो गया मेरे गोदी में, मेरी टांगें भी सो गई। 2.5 घंटे वहाँ पे स्पेंड किए जब हम बाहर आए न्यू ईयर के बाद, तो वहाँ पे बिग लाइन अप था अंदर जाने के लिए क्योंकि वो मेडिटेशन करने के लिए मैजिकल स्पॉट है। और अब हम वॉक करके हमारे रूम की तरफ जा रहे हैं। हमारा रूम ना ध्यानलिंगा से अराउंड 15 मिनट की वॉक है, लाइक दूर है। आप वो गोल्फ कार्ट ले सकते हैं पर वो गोल्फ कार्ट सिर्फ 9:30 तक चलती है। 12:30 हो चुके हैं तो पैदल जा रहे हैं। सारे लोग अभी वापस आ रहे पर वहाँ पे अभी भी बिग 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 लाइन अप था। हमारा रूम है
ब्रह्मपुत्र में बहुत ही अच्छी तरह बना हुआ है लेडीज़ के लिए नहाने के लिए। जो सरोवर होता है वो चंद्रकुंड है, वो हिडन है, उसमें छत बनी हुई है, अंदर जाके आपको नहा के लिंगा भैरवी में जाएं एंड ध्यान लिंगा में जाके ध्यान लगाएं वो ठंडा से पानी से। वहाँ पे नहाने के लिए दो डिफरेंट सरोवर है, एक है सूर्यकुंड एक है चंद्रकुंड। सूर्यकुंड गाइज़ के लिए है, वहाँ पर गाइज जाते हैं, मेल जाते हैं और वो ओपन है, बहुत ही मज़ेदार सरोवर है वो। उसके अंदर शिवलिंग बने हुए हैं, पानी ठंडा होता है, पानी की वाइब्रेशन अलग सी है शिवलिंग अंदर होने की वजह से। आपको उसमें जाकर डुबकी लगानी है, डुबकी लगा के गिल्ले का लाइक ठंडे ठंडे आके आपको ध्यान लिंगा में बैठ के ध्यान लगाना है। तो हिम्मत एंड हस्बैंड चले गए नहाने के लिए, मैंने उनकी वेट की। उसके बाद जब वो आ गए फिर मैंने चंद्रकुंड में जाके डुबकी लगाई। उसके बाद हम तीनों जाने अंदर जाके फिर से मेडिटेट किया अगले दिन। सो लड़कियों के लिए ऐसे है कि आपको कुछ भी लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती है, आप अकेले जाए, मतलब अपना वो आपका सारा सामान मुझे लग रहा लॉकर में रख लेते हैं, लाइक फ़ोन फोन जो पैसे वैसे होंगे आपके पास। सो अंदर जाके आपको एक गाउन पहनना पड़ता है, आप सारी अपनी बॉडी के कपड़े उतार दें, वो गाउन के पहन लें एंड टूटी से थल्ले अपना सिर दे दें, लाइक शावर सारा कुछ गीला होना चाहिए। सो जब मैंने सारा कुछ गीला कर लिया ना, मैंने आई मस्कारा लगा के रखा था, बैग या सारा कुछ हो गया, तो मैं बाहर आई तो एक गर्ल कह रही कि ओ सिमर तुम यहाँ पे हो। मैंने कहा कि तेरी दी ये कौन है, और बड़ी हालत मेरी ख़राब थी, कुछ लाइक गाउन मेरी बॉडी के साथ चिपका हुआ था। तो पर या मैं मुझे आप में से कोई सब्सक्राइबर मिल गया वहाँ पे, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, चंगा आया फ़ोन नहीं था नहीं तो फोटो बहुत ही बेकार आने वाली थी। सो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी वीडियोज़ देखती हूँ, तुम यहाँ पे आई हो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब वहाँ पे आपको लगता नहीं कि आपको कोई जाने वाला मिलेगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग साउथ इंडियन है, लाइक तमिल है लोग ना, तो वहाँ पे हिंदी बोलने वाला बंदा अचानक से मिल गया, मैं बहुत हैरान होगी। और उसके बाद वहाँ पे जब मैंने पूरा गिल्ला कर लिया, मैं फिर वहाँ पे एक लेडी खड़ी होती है, वो बोलती है आपको कि हाँ तुम ठीक हो, अब जाओ थले सरोवर में चले जाओ। सरोवर ऐसे काफ़ी सारी सीढ़ियाँ उतर के जाना पड़ता है, मैं उसकी पिक्चर शेयर करूँगी। काफ़ी अंधेरा होता है, काफ़ी थोड़ा ना अलग सी फीलिंग आती है और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। पानी में जाओ, पानी में शिवलिंग बने हुए हैं, आई थिंक दो हैं। पानी में जाकर डुबकी लगाओ, शिवलिंग के अराउंड अराउंड घूमो, फिर सीधा पौड़ियाँ चढ़ के वापस आओ एंड देन आप ध्यान लिंगा में जाके ध्यान लगाओ। ओ माई गॉड, इतना मज़ेदार एक्सपीरियंस होता है ना वो, बहुत मैं आपको शब्दों के साथ बयान नहीं कर सकती हूँ। अगर आप मेडिटेट करते हैं आपको पता होगा कि कई बार आपका फोकस नहीं होता है, पर जब ये आप पूरा सर्कल करके ध्यान लिंगा के सामने बैठते हैं ना, एक इन सेकेंड्स आपका फोकस हो जाता है और पता भी नहीं चल रहा कि तुम बजा देते हो वो कि 10 मिनट हो गए। और लकीली हिम्मत भी बहुत ही मज़ेदार आराम से पीस से बैठा रहता था वहाँ पे, नहीं तो वैसे कई बच्चे वहाँ पे शोर भी मचा रहे थे, तो बच्चों को अंदर नहीं लेके जाना चाहिए क्योंकि फिर सारे लोग ही डिस्टर्ब होते हैं ना। सो या ये था ध्यान लिंगा का एक्सपीरियंस। उसके बाद आप लिंगा भैरवी में जाएं, आपके पैर वॉश करके अब हम जा रहे हैं लिंग भैरवी टेम्पल में। उस अंदर जाने से पहले आपको ना पैरों को वॉश करना। नमस्ते डैडी, डैडी द फर्स्ट वन इज इवन बेटर। मुझे लग रहा है कि बिल्कुल नीचे वाले स्टेप तक गाइस को नहीं जाने देते, वहाँ लेडीज़ जा सकती हैं। हम गए वहाँ पे आरती हो रही थी तो हम आरती का हिस्सा बन पाए। बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाइब्रेशन वाला प्लेस है। अभी ये जो आश्रम है, ये जो सारा एक्सपीरियंस है, ये रिलीजियस नहीं है, ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। अभी मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि कितना मज़ेदार सेटिस्फाइंग फील होता है आपको, कि बहुत शांति फील होती है आपको। सो ये हम करने के बाद खाना खाया हमने। अब मैं खाने के बारे में कुछ ज़रूर से बोलना चाहूँगी। अभी यहाँ पे भिक्षा हॉल है जो, वहाँ पे खाना दो टाइम मिलता है, एक सुबह मिलेगा एक शाम को मिलेगा। एक 8 मिनट के लिए उसका डोर खुलता है, वो केले के लीफ पे सर्व करके खाना खिलाते हैं फॉर्मली। उसके बाद अनदर 20 मिनट्स के लिए डोर खुलता है, उस सर्विंग के बाद जो लोग मिस हो गए हैं उसमें वो जा सकते हैं। फिर वो खुद से अपना प्लेट्स में ले लेते हैं, वो फॉर्मली नहीं होता, इनफॉर्मल सा है, पर आप लंगर खा सकते हैं। पर अगर आपके वो 20 मिनट मिस हो गए तो लंगर आपको नहीं मिलेगा। पर लंगर इतना ज़्यादा स्वादिष्ट है, हम इंडिया थे, दुबई थे, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में थे, हमने जहाँ पे भी इस ट्रिप में खाना खाया, जो खाने को मैं सबसे ज़्यादा मिस कर रही हूँ वो सद्गुरु के भिक्षा हॉल का खाना है। वो इतना
इतना सेटिस्फाइंग, इतना डिलिशियस था। उसमें वो पौष्टिक खिचड़ी देते हैं, नट्स देते हैं लाइक ओवरनाइट सोक हुए, या फिर सोक दाल देते हैं, या ब्लैक चने होते हैं स्प्राउटेड, एंड उसके साथ बनाना ज़रूर से देते हैं। एंड ये सारा खाने से पहले आपको नीम की एक ड्रिंक देते हैं, नीजी बहुत कड़वी होती है, वो पिए, केला खाएँ एंड सारी खिचड़ी विचड़ी खाएँ, बहुत मज़ेदार है। हमने, मुझे लग रहा, कोई भी खाना का समय मिस नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मिस हो। यस, हमने बाहर की कैंटीन से भी खाया क्योंकि हिम्मत ये फूड नहीं खा पा रहा था क्योंकि उसे ना लाइक सब्जियां दिखती, ये वो बहुत नखरे करता है वो, तो फिर वो बाहर से भी हम लोग खा लेते थे। आश्रम के बिल्कुल अंदर ही लिंगा भैरवी के पास भी एक कैंटीन है जो मुझे लग रहा है 6:30-7 बजे तक खुली होती है। वहाँ पर आप चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, क्योंकि ये लंगर हॉल में वो आपको नहीं मिलेगा। लंगर हॉल में ये सिर्फ सिंपल सादा सा फूड मिलता है जो कि बहुत बहुत स्वादिष्ट एंड बहुत डिलिशियस होता है। वहाँ पे एक दिन किसी ने लंगर स्पॉन्सर किया था, आई थिंक किसी पंजाबी ने, उनका बर्थडे था उनकी वाइफ का, तो उस दिन डिज़र्ट भी था। एंड वो डिज़र्ट मैंने तो खाया नहीं, पर हस्बैंड कह रहे कि मेरी ज़िंदगी का सबसे डिलिशियस डिज़र्ट है वो। पता नहीं कौन सा हलवा था, पिंक लाइक डार्क पर्पल जैसे कलर का था, जैसे बीट रूट होता ना वैसा कुछ था, बहुत स्वादिष्ट था। It wasn't like Candy Crush, Mama. It was, you had to pull these things and you have to send that other person who said, help me, help me. And it was so fast, it was ओके दोस्तों, हमने अंदर से खाना खा लिया है, हस्बैंड एंड हिम्मत आया है खाने के लिए पूरी चना। ओके चल, सो ये रेस्टोरेंट है यहाँ का, बहुत ही डिलिशियस फूड है इनका। कल दिलजीत मास्टर जी यहाँ पे आए थे खाने। अभी सदगुरु के भिक्षा हॉल के खाने को मैं इतना ज़्यादा मिस करती हूँ कि मैं मिमिक करने की कोशिश कर रही हूँ मेरे घर में वो खाने को, लाइक खिचड़ी को। अब स्प्राउटेड भी हम ज़्यादा खाते, पहले मैं खाती थी, हस्बैंड इतना एक्साइटेड नहीं होते थे, पर जब से वहाँ पे खा के आए हैं तो उनको लगा कि यस मैं भी खाऊँगा। सो बहुत कोशिश में हूँ कि वैसा ही खाना मैं मिमिक करके घर में बना पाऊँ ताकि मिस नहीं करूँ उस खाने को। बारी आती है सदगुरु की। आई डोंट नो, सदगुरु से काफ़ी ज़्यादा प्यार हो गया हमें। सदगुरु को मुझे लग रहा हमने फॉलो करना शुरू किया था 2017 में ऑन एंड ऑफ, बट लॉकडाउन में हमने मेडिटेट ज़्यादा करना शुरू कर दिया। एक्चुअली मेरी डिजीज़ के बाद मुझे लगा कि मुझे अपने आप को हील करना है स्पिरिचुअल वे के साथ। यस, मैं मेडिकेशन भी खाती हूँ, पर जो स्पिरिचुअलिटी मुझे मदद कर रही है मेरी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, एनर्जी लेवल एंड प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी, सारी चीज़ों में बहुत मदद करता है। ये सिर्फ रब को पाने का रास्ता नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए और अच्छी तरह फुल फ्लेज जीने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो या जब मेरी डिजीज़ के बाद मैंने ज़्यादा फॉलो करना शुरू कर दिया, उसके बाद हमने इनर इंजीनियरिंग की, मेरे हस्बैंड ने मतलब 2-3 बार कर लिया हमने, अभी भी उसको सुनते रहते हैं बार बार क्योंकि चीज़ें आपको भूल जाती है, राइट। सो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आई। अभी मैं, मेरा लेवल मैनू लगता बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड वाला है, मैनू इन्नी कोई नॉलेज नहीं है, बस बिगनर हूँ मैं, पर या ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पीस देती है। उसके बाद हमने, गुरु ने हमें इनिशिएट किया शंभवी महामुद्रा, जो कि कुछ योगा आसन है, ध्यान लगाना है एंड कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार एंड बहुत हेल्प करता है हमें बहुत सारी चीज़ों में। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, वो आपको खुद करेंगे तब पता चलेगा, और वो मैं अभी बता नहीं सकती हूँ क्योंकि वो आप गुरु से इनिशिएट होंगे तभी है। सो अब आज कल की दुनिया, आज कल के दिन में ना इस टॉपिक में हम बहुत ज़्यादा घुस गए हैं। आई डोंट नो, मेरी आवाज़ ना थोड़ी स्लो होगी क्योंकि मेरे हिम्मत और उसकी फ्रेंड बाहर खेल रहे हैं, मैं उनको भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। सो यस, सो अब हम थोड़े ज़्यादा ही डीप इनसाइड इसके जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें अनकवर हो रही हैं और ज़्यादा इंटरेस्ट बन रहा है और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एंड या दिस इज़ गोइंग ऑन विद आर लाइफ, मी एंड माई हस्बैंड बोथ, हम दोनों सेम ही बोर्ड पे हैं,
क्योंकि अगर आप दोनों में से एक बंदा ना हो तो मुश्किल हो जाता है। लकीली कि जो वो सोचते हैं वही मैं सोचती हूँ, एंड दोनों एक दूसरे को ना पुश करते हैं कि यस हमें दोनों को करना चाहिए। क्योंकि जब हम सदगुरु के वो आश्रम में भी गए, दोनों की इक्वल इच्छा थी, जितना मैनू मज़ा आ रहा था उतना ही उनको भी आ रहा था। अभी मैं बताने वाली थी सदगुरु के बारे में। सदगुरु को मैं देखना चाहती थी बहुत ज़्यादा, मैं ना लाइक मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे कि मुझे सदगुरु को देखना है। मैं इतने बैठे सोचती रहती थी कि सदगुरु ना मैं देख ला मेरी जिंदा रहते रहते, एक बार मैं देखना चाहती हूँ। सो हमें 2-3 दिन हो गए आश्रम में, हमें सदगुरु दिखे ही नहीं, क्योंकि सदगुरु इज़ अ हाई लेवल राइट। वो दिखे या नहीं दिखे, बहुत बिजी हैं वो, इतना काम कर रहे हैं तो नहीं दिखेंगे राइट। जब मेरे हस्बैंड सूर्य कुंड में नहाने के लिए गए, मैं वेट कर रही थी ना, तब मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम ना सदगुरु को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो। मैंने कहा कि सदगुरु कौन सा देखेंगे? कह रहे कि हाँ वो देखेंगे नहीं, पर वो मिस्टिक है ना, उनको पता चल जाएगा कि कोई बंदा उनको देखना चाहता है तो शायद तुम्हें दिख जाए। तो फिर मैंने ना बड़ा बड़ा सारा मैसेज कहा था कि सदगुरु हम यहाँ पे हैं, मैं आपको देखना चाहती हूँ, मेरा ना ट्रिप सक्सेस नहीं होगा कि मैंने अगर आपकी शक्ल एक बार ना दिखेगी, अगर वो दिख जाए तो बहुत ज़्यादा खुशी वाली गल होगी मेरे लिए, मतलब मैं हैप्पी हो जाऊँगी। तो जब हम ध्यान लिंगा से निकल के बाहर आ रहे थे तो सदगुरु मोटरसाइकिल पे आराम से जा रहे थे, हमें दिख गए। मैं कि यार वाओ दिस इज़ सो गुड। तो जब हम वहाँ पे बैठे थे, सदगुरु निकल के अपने ऑफिस में गए, तो हमने मज़ेदार देखा, सदगुरु ने यस यस किया, एंड फिर हम ना वहीं पे बैठे रहे कि अभी वो वापस आएंगे फिर से देखेंगे। तो फिर वापस आए, फिर से हमने देख लिया, एंड फिर एवे हम, मैं कहा कि हम फिर आएंगे, फिर बैठे रहते हैं थोड़ी देर और वेट करेंगे तो सदगुरु आएंगे। लोग इतने सेंसिबल हैं वहाँ पे, भज दौड़ नहीं मचाते हैं जब सदगुरु आए, आराम ना जहाँ जहाँ पे भी खड़े हैं वहाँ पे खड़े रहते हैं और जाया कर देते हैं। मैंने सोचा था मैं वीडियो शूट करूँगी, मैं नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैं खुद अपनी आँखों से देखना चाहती थी, क्योंकि अलग ही फील है सदगुरु को देखने में, और जो ना वाइब बनती ना, जो अलग ही फील है जब वो आते हैं ना पास में से। सो मैं मिस नहीं करना चाहती, पर फिर भी मैंने टूटा फूटा कैमरा फ़ोन पकड़ के रखा था, तो ऐसी वैसी वीडियो आई। सो जब इस बार सदगुरु हमें दोबारा दिखे तो हस्बैंड शाउट करे, कोई भी शाउट नहीं करे, हस्बैंड कह रहे कि ब्लेस अस सदगुरु, एंड सदगुरु ने सुन लिया और कह रहे कि यस ओके, उन्होंने अपना सर भी हिला दिया कि ठीक है करूँगा ब्लेस मैं। जो मैंने चाहा था वो पूरा हो गया, एंड जो मैं मैसेज दे रही थी इंस्टाग्राम के थ्रू, सदगुरु ने सुन गया। उसी समय वहीं पे थे हम जहाँ पे सदगुरु 3 बारी दिख गए हमें। सो अभी हमारा ये जो सदगुरु का ट्रिप था सक्सेस हो गया। हर दिन 7:00 आदि योगी में एक लाइट शो होता है, जिसमें वो अलग अलग तरीके से आदि योगी के स्कल्पचर को दिखाते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। वो एक अद्भुत है, वो एक बहुत ही अमेजिंग अट्रैक्शन है। मुझे लग रहा हमने एक दो बार वो देखा, एंड आप ज़रूर से देखें अगर आप वहाँ पे जाएं तो। बहुत सारे जो लोकल लोग हैं वो उसकी वेट करते हैं, जब वो लाइट शो फिनिश हो जाता है तो वो अपने अपने घर को चले जाते हैं, तो फिर वही लोग रह जाते हैं जो आश्रम के अंदर हैं, बाकी सारे चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाती है उस समय जब वो लाइट शो होता है। ओके सो अब हम ग्राउंड में आके बैठ चुके हैं, यहाँ पे ना लाइट शो होने वाला है, बहुत सारी लोकल दुनिया है यहाँ पे, एंड दिलजीत इज स्टैंडिंग समवेयर देयर। सारी दुनिया ने फोटोज खींच ली, परफेक्ट स्पॉट है ये फोटोज खींचने के लिए। बट This was
you should come in Kompatiya, this area, the Adi Yogi. And if you want to see it, you have to, it needs to be New Year performance. Exactly, New Year, not New Year Eve. Get that out of here. Guys, I'm kidding. You can come anytime you want, but the light show will start at 7:20. They'll just start with some music. And then, light show! First of all, go all black. You take, oh man, you turn it on. It's all electric gone. But then, light show! Okay, John. Hey! Hey! But that, they won't think that's the moon. Hey. Mama, what are you doing? I'm taking a bell gaadi. Where are you taking a bell gaadi? Back to Isha Sand. Hey! तो इसका आज के दिन के लिए काम खत्म हो चुका है। ये हमारी लास्ट राइड थी, अब ये रेस्ट करने के लिए जाएगा बैल। सो ये है ईशा सेंटर के अंदर जाने का रास्ता। सदगुरु के आश्रम के अंदर ही ये गिफ्ट शॉप्स भी हैं, जहाँ पे हमने मैंने लगा 20-30 हज़ार रुपये स्पेंड किए होंगे। मैंने कुछ साड़ियाँ ली, हमने सदगुरु की बहुत सारी सेज ली एंड बर्तन लिए कॉपर वाले, लाइक काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे ली। मज़ेदार है वो बहुत ही, लाइक अच्छा अफोर्डेबल प्राइस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हस्बैंड ने खूब सारे कुर्ते लिए अपने लिए, मैंने भी एक कुर्ता लिया। हमने लाइक काफ़ी सारी हमने शॉपिंग की वहाँ से, बहुत ही मज़ेदार लगा। मुझे लग रहा हर दिन हम वहाँ पे कुछ ना कुछ खरीदने के लिए चले जाते थे। एवरी डे हम कुछ ना कुछ 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 ना कुछ लेके आते थे। यहाँ पे ये गिफ्ट शॉप में ना साड़ी की दुकान भी है, तो मैंने अपने लिए बहुत प्यारी सी कॉटन की साड़ी ली है, साउथ इंडियन स्टाइल में। आई डोंट नो इसका क्या फैब्रिक है, पर रंग देखो। या जब हम इंडिया से वापस कनाडा आए, मतलब मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें वही थी जो हमने सदगुरु के आश्रम से खरीदी थी। एंड जब वो जो अगरबत्तियाँ हैं या सेज है, जब मैं जलाती हूँ ना, वो पूरी आश्रम वाली खुशबू घर में फैल जाती है। वो बिल्कुल आश्रम वाली खुशबू वाली ही अगरबत्तियाँ हैं एंड वो सेज है। सो अगर आप चाहें तो आप ये चीज़ें खरीद सकते हैं वहाँ से। आश्रम के अंदर का माहौल कैसे है? बहुत ही ज़्यादा पीस है, बहुत काम है, जो अंदर की वाइब है बहुत ही प्योर एंड शांत है। वहाँ पे कोई भी आपको लोग हंसते खेलते बातें करते नहीं दिखेंगे, बातें दिखेंगे बट बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल तरीके से बातें करते हैं। लाइक शांति मेंटेन रहती है वहाँ पे, लोग फ़ोन पे नहीं चिपके रहते, फ़ोन पे बातें नहीं करते। इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, पर बिकेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, तो हेयर देयर कुछ ना कुछ मैंने शूट किया है। और बहुत बार आप देखेंगे कि जब आप आश्रम का चक्कर लगा रहे हैं, आप लंगर के बाहर घूम रहे हैं या कहीं पर भी हैं, तो बहुत सारे लोग बिना किसी चीज़ का ध्यान किए अपने मेडिटेशन में मगन होते हैं। लाइक उनको आसपास का कोई ध्यान नहीं है, इतना लाइक वहाँ की वाइब इतनी अमेजिंग है कि आपका ध्यान लग जाता है। सो ये अंदर का एनवायरनमेंट है, सारे लोग इतने खुश हैं, सबके चेहरे पे ना लाइक अलग ही नूर है वहाँ पे। लाइक हर कोई हर एक को हंस के बुलाता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार एनवायरनमेंट है। लाइक आपको पता चल जाता है ना कि दूसरे बंदे की वाइब कैसी है, हर एक की बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्लेस पे हैं वो अपने मेंटली इमोशनली, आई डोंट नो कैसे बताऊं, पर या हर कोई बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार खुश दिखेगा आपको वहाँ पे। सो ओवरऑल आश्रम का एक्सपीरियंस मेरे लिए क्या था, बहुत ही मज़ेदार था। हम टेक्नोलॉजी से मोस्टली दूर रहे, हमने किसी से फ़ोन पे बात नहीं की, सोशल मीडिया नहीं करे थे। एक अद्धी चीज़ मैंने अपलोड की होगी, दैट्स इट। और वीडियो मैं शूट कर रही थी लाइक फ़ोन पे थोड़ी बहुत, कि मैं आपके साथ शेयर करूँ और मेरे लाइक मेरी मेमोरी के लिए कि मैं आश्रम में गई थी। उसके बिना हम ज़्यादा टाइम दूर थे
टेक्नोलॉजी से, एंड बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियसली हम इंजॉय कर रहे थे आश्रम की आवाज़ को, हवा को, पंछियों को, एंड ऑल्सो जो भी वहाँ पे चल रहा था हम हर चीज़ ज्वाइन कर रहे थे. लाइक लिंगा भैर ध्यान लिंगा में मतलब हम 3-4 बार जाके मेडिटेट किया होगा हमने. जब भी हमें टर्न मिलती थी हम लाइन में लग के अंदर बैठ जाते थे जाके, क्योंकि मुझे लगा कि जितना मज़ा ला लो उतना ही काटा. और हमने वहाँ से खूब सारी शॉपिंग भी की, एंड वहाँ का लंगर बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था. एंड जब आप वहाँ पे होते हैं आपको लग रहा है कि यार बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है. जितना मैंने आपको पहले कहा ना कि जब आप अंदर बैठ के मेडिटेट कर लेते हैं, एक सीड आपके अंदर रखा जाता है, तो जब आप बाहर आ जाते हैं नॉर्मल लाइफ में, तब आपको पता चलता है कि यार आई एम नॉट द सेम, पहला वर्गा नहीं है, कुछ तो डिफरेंट हो गया है मेरे साथ. सो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है आपके साथ अगर आप करना चाहें तो. अगर आपने अपने आप को ब्लॉक करके रखा है कि नहीं नहीं लाइक, फिर उन लोगों के साथ भी हो जाता है. मैंने कईयों की स्टोरी सुनी है कि उनकी कज़न या उसकी भाई बहन आना नहीं चाह रहे थे, बहुत जहाँ सोते थे कि यार बाबे पखंडी हूँ नहीं है वो, पर वो भी एंड पे उसने भी बोल दिया यार मुझे ज़्यादा समय के लिए आना चाहिए था, यार सच्ची बड़ा मज़ा आया. कि जो ऐसा सोचते हैं उनके साथ भी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है, पर अगर आप बहुत ओपन हैं तो यू विल फील कि कुछ जो डिफरेंट हो गया आपके साथ. सो बहुत मज़ेदार था. अभी आई डोंट नो कब मौका मिलेगा दोबारा जाने का, मैं इंतज़ार नहीं कर पा रही हूँ. मुझे लाइक फील हो रहा है कि मैं जल्दी से जल्दी आश्रम में चले जाऊँ, और मुझे लगता है कि इस बार मैं कट्टो कट लाइक 2 वीक के लिए जाऊँगी, 2 वीक या मंथ के लिए. और हमने नोटिस किया कि जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं वॉलंटियर हैं, बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ 90% 95% लोग ना यंग हैं, हमसे मुझसे बहुत छोटे, बहुत छोटे. लाइक कई सन्यासी बन चुके हैं, कई वैरागी हैं, और वो इतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ वहाँ पे काम करते हैं, वॉलंटियर हैं, कुछ जॉब भी करते हैं, पर बहुत ज़्यादा जवान लोग इस तरफ जा रहे हैं. सो उन्होंने कुछ लभ रहा है वहाँ से. एंड यार जैसे मैंने कहा कि जहाँ पे भी देखेंगे लोग अपने ध्यान में मेडिटेट कर रहे होते हैं, जिद्दा कोई कुछ भी नहीं है पास में, एंड पूरे ध्यान के साथ, लाइक कोई भी लाइक नकली एनर्जी नहीं है, कोई भी किसी को दिखावा नहीं कर रहा, कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, कोई लाइक फेकनेस नहीं है. बहुत मज़ेदार, बहुत ही शुद्ध प्यारा एंड पीसफुल एनवायरनमेंट है. आप ज़रूर से जाएं. अभी सदगुरु का आश्रम US में टेनेसी में भी है, अगर आप नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं तो वहाँ पे जा सकते हैं. अभी मुझे लग रहा है कि सदगुरु जून एंड जुलाई में इवेंट करेंगे टेनेसी में. सो अगर आप जाना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं. हम कोशिश करेंगे कि जाएं, पक्का नहीं पता है, पर हम जाना चाहेंगे ज़रूर से, क्योंकि बहुत मज़ेदार फीलिंग है. आप जब वो फील कर लेते हैं आपको दोबारा से फील करना होता है. गुड मॉर्निंग दोस्तों. तो आज हस्बैंड वहाँ पे हैं हिम्मतिया, एंड हियर आई एम. आज हमारी ईशा सेंटर से गुड बाय है, एंड हम लोग जाने वाले हैं मुन्नार, और हम जाएंगे टैक्सी में. टैक्सी में जाने के लिए 6 आवर्स लगेंगे. वैसे डिस्टेंस सिर्फ 150 किलोमीटर्स का है, पर इतना ज़्यादा समय लगेगा. एंड सो हमारी टैक्सी आ रही है हमें पिक करने के लिए. सो ये सब हम टैक्सी की वेट करेंगे, उसके बाद जाएंगे. यहाँ का जो माहौल है ना गाइस, आई डोंट नो शब्दों में डिस्क्राइब किया जाता है, जा सकता है या नहीं, पर मैं इस आपके साथ शेयर करूँगी. यहाँ पे ना वीडियोस बनाना अलाउड नहीं है. सो वी आर एट अ वेलकम पॉइंट नाउ. सो यस, इसके बारे में खूब सारी बातचीत करेंगे हम लोग. सो यस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर कर पाई हूँ. कि अगर आपको सदगुरु से रिलेटेड या मेडिटेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बार में छोड़ सकते हैं. मैं कोशिश करूँगी कि मैं आंसर करूँ, पर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ. मैं खुद ही लाइक ए पे हूँ. मैं खुद ए से जी तक का सफ़र मुझे तय करना है. मैंने कुछ भी पता नहीं है अभी. आई डोंट नो मैं आपके आंसर देने के काबिल हूँ या नहीं, पर फिर भी अगर आप छोड़ेंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी नॉलेज के हिसाब ना कुछ दस दा. पर यू नो जिदा मैंने लगता है कि मैंने अभी पता, मैंने ये भी पता, मुझे ये भी पता, पर ये सारे ट्रिप के बाद मुझे लग रहा है मैंने कुछ भी नहीं पता. मैंने सारा कुछ पता करने की ज़रूरत पड़ गई है. ये सारा लाइक बिगिनर फील हो रहा है कि मुझे तो पता ही कुछ भी नहीं है यार. सो यस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं.
मैं आपको मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूले दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग, वी गाइस कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, दैट्स इट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, आई लव यू गाइस सो मच, बाय.